हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है विद्यार्थियों वाला। चलो इसको करते हैं। पहले आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी है, तो जो पहले आप पहले पढ़ो फिर उसको लिखो, ठीक है। जो भी इसमें दे रखा ना, पहले आप उसको लिखो ताकि आगे सारे क्वेश्चन अच्छे से उसमें उतरे, ठीक है। विद्यार्थियों ने और लड़कों और लड़कियों का संख्या अनुपात दे रखा है 4:1। इनका अनुपात कितना हुआ? 7 से काट दो, कितना हुआ? 222, ठीक है। इनको अब इनको गुना करो, 888, 600, ठीक है। कुछ दिनों बाद 23 लड़कियों ने प्रवेश किया, यानी लड़कियों की संख्या ये है, इसमें लड़कियां जोड़ देंगी 696, ठीक है। और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप लड़कों को लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया, ठीक है। ये लड़कियों का अनुपात है, इनको काट दो, लड़कियों का अनुपात 116 आ गया, ठीक है। और फिर 116 ये इसमें जोड़ दो लड़कियों की संख्या में, 796 इसमें जोड़ दो, ठीक है। 796 में 116 लड़कियों की संख्या कितनी? 812, ठीक है। 812 आपने जोड़ा, 812 जोड़ने के बाद जो लड़कियों की संख्या थी ना, इसमें पूछ के रखा है विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये इतना छोड़ा, ठीक है, सॉरी बच्चों, इतना नहीं छोड़ा, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं लड़कों की संख्या कितनी है इसके अंदर। अब आप देखो, 812 आप इसमें से माइनस करो 6, ठीक है, और ये 7, यानी इसका आंसर बच्चों 6 है, सर इसका आंसर, ठीक है। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से पढ़ो, ठीक है। ये बस थोड़े समझाने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लग जाता है, वरना जैसे आप करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इसको 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है।